डॉक्टर एम त्यागी। देखो हमारे यहाँ पे ऑडिशन चल रहे हैं हंट सिनेमा के लिए, और हंट सिनेमा जो है हमने यहाँ पे हंट सिनेमा प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक कंपनी स्टार्ट की है, जो अबाउट नियर 200 कंट्रियों में चलेगी ये, और ये एक OTT प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे उसी के लिए ऑडिशन चल रहे हैं। तो किस तरह से इसको फिल्में आप दिखाओगे, या किस तरह का आपका OTT प्लेटफॉर्म है हंट सिनेमा? देखो इसमें सभी तरह की फिल्में होंगी, इसमें सभी तरह की फिल्में होंगी, कॉमेडी होगी, ड्रामा होगा, हल्का फुल्का हॉट भी होगा, और इसमें सभी तरह के जो है आर्टिस्ट काम कर सकते हैं। ऑडिशन की क्या प्रक्रिया आपके अंदर? प्रक्रिया ये है कि एक आओ और ऑडिशन दे दो। उसमें क्या प्रक्रिया होती? जगह क्या है? जगह ये अनसोंडा की बराबर में, और यामा शोरूम के ऊपर का पूरा पोर्शन हंट सिनेमा का है, जॉनसन रोड पर मुजफ्फरनगर में। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे कोई किसी तरह की कोई फीस नहीं ली जाती, किसी भी बंदे से कोई फीस नहीं होगी। बल्कि और जो बंदा हमारे यहाँ से सक्सेसफुल होगा काम, मतलब जो अच्छी एक्ट करेगा, अच्छी एक्टिंग करेगा, उसका हंट सिनेमा के साथ एग्रीमेंट होगा, और एग्रीमेंट के जब वो काम करेगा तो काम करने के उल्टा पैसे मिलेंगे, ना के पैसे लिए जाएंगे, ना कोई फीस है, किसी भी तरह का कोई चार्ज हमारे पास हमारे यहाँ पे नहीं है। तो आप मुझे बताएं कि आपने मुजफ्फरनगर में अपना हंट सिनेमा शुरुआत की यहाँ से, तो क्या वजह है यहाँ पे, क्योंकि आपके पहले से ही मुंबई में और ऑफिस हैं? देखो मुंबई में ऑफिस होना एक अलग चीज़ है, मुंबई में तो बहुत सारे ऑफिस हैं लोगों के, मगर मैं चाहता हूँ कि माननीय हमारे आदित्यनाथ योगी जी ने भी जो है, मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत की है इसमें नोएडा के अंदर फिल्म सिटी लाने की, तो हमारे मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं उसको हमें भी करना चाहिए, हमें भी फॉलो करना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना एक भोजपुरी वालों की अपनी खुद की जो है इंडस्ट्री है, साउथ वालों की अपनी खुद की इंडस्ट्री है, हरियाणा की खुद की इंडस्ट्री है, पंजाब की इंडस्ट्री है, तमिल की अलग है, तेलुगु की, सब जगह से सबकी इंडस्ट्री है, मगर हमारे यहाँ यूपी की कोई इंडस्ट्री नहीं है। माननीय योगी जी ने शुरू किया है नोएडा के अंदर फिल्म सिटी बनाने की कोशिश की है, तो हम भी सोच रहे हैं कि अपने